बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ईस्टर्न बॉर्डर और जो इंडिया के साथ है, इस पर हमारी बेसिकली कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि बाकी हमने बॉर्डर्स के बारे में बात की थी। ईस्टर्न बॉर्डर जो है इंडिया के साथ है, ये टोटल लाइन लेंथ है, इट इज़ 3133 किलोमीटर्स का ये बॉर्डर है हमारे इंडिया के साथ, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हैं जो मैं अभी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन बनती है गिलगित बल्तिस्तान इसमें शामिल है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इसमें शामिल है, पंजाब शामिल है और सिंध इसमें शामिल हैं। सबसे पहले जो डिवाइडिंग लाइन है जो गिलगित बल्तिस्तान को डिवाइड करती है फ्राम इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसको LOC कहते हैं। पहले इसको 1949 के में इसको जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें सीज फायर लाइन इसको कहा गया था, बट शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ इट वॉज रीनेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये एक पॉइंट है बल्तिस्तान में, एक अलग एक पॉइंट है 9842 वहाँ से स्टार्ट होती है और जाके थकुचक है बिम्बर आज़ाद कश्मीर में जो चिनाब रिवर के पास है वहाँ तक ये लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है, और ये बेसिकली डिवाइड करती है गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को फ्रॉम इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो ये एरिया इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ जो है वो इंदिरा कौल है, और साउथ में अस्तौर का इलाका बनता है। ये वो इलाका है जहाँ पे इंडियन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का इसमें एरिया बनता है, और गिलगित बल्तिस्तान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि तमाम दरिया है स्पेशली इंडस रिवर यहीं से गुजरता है, शियोक रिवर है यहाँ पे, और इसके अलावा और बाकी बहुत सारी इम्पोर्टेंट इसमें जो हैं पहाड़ हैं, इसमें पासिस हैं, इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस इलाके की बहुत ज़्यादा है लोकेशन के हिसाब से। और इसके साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर जो है जो इस इलाके में है बल्तिस्तान डिवीज़न में है, और ये बेसिकली अगर हिस्टोरिकली देखा जाए इसमें तो एक अलग विला की ज़रूरत है। ताहम मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूँ कि 1949 का जो एग्रीमेंट जो कराची में हुआ था जिसमें NJ 9842 से जो शुमाल का इलाका था उसकी डिमार्केशन नहीं की गई, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया कि ये टेरेन बहुत मुश्किल है और इनहॉस्पिटेबल किस्म का टेरेन है, एक्सेसिबल नहीं है, सो देयरफॉर इट वाज लेफ्ट अनडिमार्केटेड। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने इससे बड़ा फ़ायदा उठाया, 1984 में एक एयरबोर्न ऑपरेशन मेघदूत किया और उन्होंने अपने अफवाज उतारी जो पीक्स उस वक्त वहाँ पे जो पीक्स खाली थी वहाँ पे कोई अफवाज पाकिस्तान की तो प्रेजेंस ही नहीं थी, उन्होंने उसको एक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। ताहम पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और वहाँ पे जाके जो इम्पोर्टेंट बाकी एरियाज थे उन पर एक्यूपाई पाकिस्तान ने कर लिया और पाकिस्तानी तमाम पासिस को अभी होल्ड कर रहा है। इंडिया का क्लेम यह है कि NJ 9842 से उनकी जो लाइन गुजरती है वो इंदिरा कौल या सिया कांगड़ी तक है, जबकि पाकिस्तानी जो क्लेम है जो सही क्लेम बनता है कि NJ 9842 से कराकरम पास तक जो लाइन बनती है वो हमारा है, उस लाइन के अंदर सियाचिन जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। सियाचिन की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि इंडिया के लिए वो समझते हैं कि ये लद्दाख के इससे वो डिफेंस कर सकते हैं इसको अब कब्ज़े पर रखने से, और तमाम जो रास्ते हैं जो लद्दाख को ले को जाते हैं कारगिल को या दरास को जाते हैं वो इधर से वो कंट्रोल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी समझते हैं कि वो जो शक्सन वैली है जो चाइनीज़ के पास है उनको भी यहाँ से वो उस पर भी दे कैन कंट्रोल या मॉनिटर या उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यहाँ से। इसमें जो इम्पोर्टेंट ये सियाचिन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट जो बल्तोरो सेक्टर है जिसको अभी हमारे पास है, और बल्तोरो सेक्टर के आगे कानवाई सैडल है जो हाइट है जो इस वक्त जो हाइस्ट हमारे पास पोस्ट है आलमोस्ट 19,000 फीट पे है, और यहाँ पे इस एरिया में हम इसको कर क्योंकि सारी हमारी जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं इस पल्तोरो सेक्टर में है और सामने सियाचिन है, तो इसमें हमारे K2 है, गशबरुम है, मशबरुम है, ब्रॉड पीक्स हैं,
तो वो सारे इम्पॉर्टेंट इस एरिया में है। सो पाकिस्तान इसको इफेक्टिवली डिफेंड कर रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान ही से रास्ते जाते हैं अस्तौर से, आप नीलम वैली में, नीलम डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो सकते हैं शुंतर पास के ज़रिए, और फिर गुलतरी से और खरमंग से कारगिल के रास्ते बनते हैं, और खरमंग से इंडस वैली का रास्ता बनता है, और जब आप श्योक वैली को फॉलो करते हैं या श्योक रिवर को, और खपुलो से अगर आप जाएं तो सियारी से फिरनो, तो आगे जो नोबरा वैली है जो श्योक रिवर ही का हिस्सा है, उसमें हमारे गांव हैं जो 71 वार में इंडिया ने इस पे कब्ज़ा किया था जबकि वहाँ पे कोई फोर्सेस मौजूद नहीं थे। ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में थी। जब उससे नीचे जब बॉर्डर आता है अस्तौर के बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है, तो नॉर्थ में जिस तरह मैंने बताया अस्तौर का इलाका है, और साउथ में जो है ये जो बॉर्डर है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो लाइन जाती है वो चिनाब रिवर तक, मराला हेड वर्क्स तक जाती है, और वह यहाँ पर मैंने कहा था थकू चक एक जगह है बिम्बर आज़ाद कश्मीर में, ये भी अगेन LOC है। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं विद इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो नीलम है, तो नीलम के साथ बॉर्डर लगता है, सामने कुपवाड़ा है, और आप सड़क से जाएँ तो टेटीवाला आपको नज़र आता है, मुजफ्फराबाद बॉर्डर शेयर नहीं करता है, फिर हटियाबाला है, तो हटियाबाला में लिपा है और चकोटी इंपॉर्टेंट जो जगह हैं उनके सामने उड़ी है, बाग डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट बाग में इंपॉर्टेंट जगह हाजी पीर है, और इसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट है हवेलियाँ कहोटा है, उसमें जो गुलमर्ग है जो एक विंटर रिजॉर्ट है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, फिर हमारा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम इसमें रावला कोट है और हजीरा है, उसके सामने इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पुंछ है, फिर इसके बाद पलंदरी है, पलंदरी का बॉर्डर कोई नहीं है, कोटली है तो कोटली के सामने राजौड़ी का इलाका बनता है, और मीरपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, जबकि जब हम बिम्बर आते हैं तो बिम्बर में जो मशहूर जगह है छम्ब है, इफ्तिकाराबाद जो है ये मशहूर है जो हम लोगों ने पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किया था, और इधर से बिम्बर इधर ही से रास्ते जाते हैं गुजरात को भी आते हैं, सराय आलमगीर को भी आते हैं, और मीरपुर को भी रास्ते निकलते हैं, और इसके सामने अखनूर है और मीरपुर है। अब आते हैं, ये तो थी LOC थी जो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है, और इसकी लेंथ जो है 700 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट बॉर्डर है जब जहाँ पे ये बॉर्डर, जब मैंने कहा कि ये मराला हेड वर्क्स या चिनाब पे आके लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म होती है, तो उसके बाद एक और लाइन स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री का मतलब ये है कि इंडिया जो पाकिस्तानी पंजाब हैं शेयर्स बॉर्डर्स विद इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जम्मू का इलाका इसमें आता है, ये टोटल डिस्टेंस है 193 किलोमीटर। सो ये जो इलाका है ये 193 किलोमीटर है, जो इलाका हमारा सियालकोट में आता है, सियालकोट का इलाका और शकरगढ़ के जो इलाकों के जो लाइन बनती है, दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, दिस इज़ वर्किंग बाउंड्री, और इसमें 193 किलोमीटर मैंने आपको बताया इसमें टोटल डिस्टेंस बनता है, और सामने जम्मू है। इट इज़ नॉट प्रॉपरली मार्क्ड या इसमें कोई प्रॉपर इस पर वो मार्किंग नहीं है, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स की गई हैं टू जस्ट टू डिमार्केट दैट लाइन, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स हैं। आई हैव बीन द कमांडर ऑफ चिनाब रेंजेस, यहाँ पर मैं 3 साल रहा हूँ तो मैं इस एरिया से बखूबी वाकिफ़ हूँ, तो इसलिए इस इलाके को हम एक किस्म के काम के लिए हम इसको वर्किंग बाउंड्री 193 किलोमीटर है, क्योंकि आगे सामने ऑक्यूपाइड कश्मीर है और सियालकोट के एरिया सामने है और जो हमारा शकरगढ़ का एरिया इसमें शामिल है। ये 193 किलोमीटर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो वर्किंग बाउंड्री है, 700 किलोमीटर LOC थी, 193 किलोमीटर वर्किंग बाउंड्री है। अब जहाँ पे ये वर्किंग बाउंड्री ख़त्म होती है तो हमारा नारवाल का इलाका है, तो वहाँ पे एक गांव है अबियाल डोगरा, वहाँ से एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ पे BP1 जिसको कहते हैं बॉर्डर पिलर 1 वहाँ से स्टार्ट होता है,
और वो वाटर पिलर वंस जाके जाके साउथ में सर क्रीक तक जाता है। क्रीक भी बेसिकली जो आप है डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन उधर इंडियन गुजरात के सामने जाके ये जगह ख़त्म होती है इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। और ये बॉर्डर जो है 2,240 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो ऑफिशियली रिकग्नाइज बॉर्डर है। तो इस आज के इस व्लॉग का मकसद था कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ इस किस कितने किस्मों के बॉर्डर्स हैं, और जिससे मैंने आपको बताया ऊपर से LOC है, फिर वर्किंग बाउंड्री है, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर को आप तकसीम कर सकते हैं, इसमें पंजाब के मैदानी इलाके शामिल हैं, इसमें आपका डेजर्ट इसमें शामिल है, और इसमें फिर हम डिफरेंट कॉरिडोर्स में नाम देते हैं, रिवरों के हिसाब से भी इस एरिया की इस तरह की डिमार्केशन की गई है। ताहम ये बॉर्डर्स हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स में। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।